हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। लाइव स्टार्ट हो चुका है। भारतीय प्रागैतिहासिक काल का लाइव है ये। फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रागैतिहासिक काल से, भारतीय प्रागैतिहासिक काल से शुरू कर चुके हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा था कि आप इंडियन आर्ट स्टार्ट कीजिए, तो इंडियन आर्ट को हम स्टार्ट कर चुके हैं। प्री हिस्टोरिक का फर्स्ट पार्ट देख लिया था। मैं आपको सीधे साधा यही बोलती हूँ कि कॉन्सेप्ट को समझना है हमको, ना कि रटना है, और उसी के उस पे हम अपनी आगे की कहानी आज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल से शुरू करते हैं। उससे पहले अपना अटेंडेंस देने के लिए सबसे पहले कमेंट सेक्शन पे आप ये लिख दीजिए कि व्हील जिसको कहते हैं, एक बार मुझे वॉइस चेक करवा दीजिए पहले कि वॉइस क्लियर है कि नहीं। वॉइस एक बार क्लियर चेक करवा दीजिए, वॉइस क्लियर है कि नहीं, स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता दो, तो मैं फटाफट आज की क्लास को शुरू करें। प्लीज, गुड इवनिंग सभी को। हेलो सभी को, गुड इवनिंग। क्लियर है? ओके, वॉइस क्लियर है, ओके है सब कुछ। चलिए तो अपन लोग ना उसको शुरू करते हैं। तो आपकी अटेंडेंस जो सबसे पहले शुरुआती के आप लोग आ रहे हैं कि नहीं, आ गए हैं कि नहीं, उसके लिए आपको बोल रही हूँ, कमेंट सेक्शन पे एक मेरे क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि किस पीरियड में, ध्यान से क्वेश्चन सुनना, प्रागैतिहासिक काल के किस पीरियड में व्हील जिसको कहते हैं पहिया, पहिए का आविष्कार हुआ। ठीक है, मतलब पहिया बनाना कब शुरू हुआ, पहिया किस पीरियड में बना प्रागैतिहासिक काल के, फटाफट उसमें लिख दो कमेंट सेक्शन में, तो देख लेंगे। और अब अपन आज की चीज शुरू करते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक काल का दूसरा पार्ट आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, और देखिए ये सारी चीजें देख चुकी हैं जो पहली बार आज क्लास में जुड़े हैं, आप लोग लिंक में मिल जाएगा आपको फर्स्ट पार्ट का वीडियो। इसको हमने बहुत कॉन्सेप्चुअल वे में और बहुत लाइट वे में इस चीज को समझ लिया है कि भैया प्रागैतिहासिक काल क्या था, उसके तीन पीरियड्स क्या थे, और कैसे हमें चीजों को रटना नहीं है कि भाई ये चीज इस समय बनी और ये चीजें इस समय पाई गई, कैसे हम उसको समझ के भी चीज कर सकते हैं। और आप लोगों ने क्या समझा है वो बिल्कुल मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि वो आपके कमेंट से पता चल रहा है कि आपने कमेंट में एग्जैक्टली करेक्ट आंसर दे रहे हैं। नियोलिथिक पीरियड वाज़ द पीरियड जब व्हील का इन्वेंशन हुआ था, और आग का इन्वेंशन पेलियोलिथिक में होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज है। हम जो है अभी ये सब चीजें देख लिए थे, आप लोग को बताया, ये बुक्स जो मेन बुक्स थी उसके बारे में भी अपन ने पढ़ लिया था। ठीक, अब मेन केंद्र को हम सबसे पहले आज की क्लास में फोकस करेंगे। ठीक है, देखती हूँ कब तक कितना केंद्र कंप्लीट होता है, कितना होता है अपन देखते हैं। अपने को टाइम को थोड़ा सा मैं टाइम को बांधती नहीं हूँ, अपन आराम से चलेंगे, लेकिन बस समझ सबको आना चाहिए। ठीक है, जितने भी लोग लाइव जुड़ गए एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिसको भी अगर लाइव लिंक शेयर करनी है आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपन लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखो, अपन ने पहले प्रागैतिहासिक काल उसमें भी थोड़ा सा इसी के उसमें देखा था कि अब हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक, हम जो है सबसे पहले आपको मैं बताऊं, एक मिनट, वेट अ मिनट, मैंने गलत खोल दिया, अब ठीक है, ये यहां तक पढ़ लिया था अपन ने, है ना। अब हम जो है भारत की कला को आपको पढ़ रहे हैं, पता है भारत में किस तरह से प्रागैतिहासिक केंद्र आया, आपको मैंने बताया था सबसे पहले साउथ से आया था। ठीक है, तो साउथ के जो कुछ एरियाज हैं, ये जैसे कि यहां देख लीजिए आप, उधर से सबसे पहले प्री हिस्टोरिक के एक्सकेवेशन ये सब प्राप्त हुए थे। अब हमको जो मेनली देखना है कि वहां पे कौन से सेंटर्स पे प्रागैतिहासिक काल की पेंटिंग्स मिली, केंद्र मिला। ठीक, तो ये जो हम आज फोकस करने वाले हैं, बोलते हैं मध्य प्रदेश सबसे बड़ा रीजन है। ठीक है, तो ये एरिया जो है, ये महाराष्ट्र दिख रहा है आपको, ये मध्य प्रदेश दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का जो एरिया है, ये सोन रिवर दिख रही है, ये विंध्याचल रेंज दिख रही है। अब बोलना मत ज्योग्राफी क्यों पढ़ाने लग गए, लेकिन इसी से चीजों को थोड़ा सा आपकी चीजें लाइट होगी, इसलिए बता रही हूँ। ठीक, तो ये नर्मदा जा रही है, तो ओवरऑल आपको पता है ये होशंगाबाद एरिया और ये भोपाल एरिया है ना, ये विंध्याचल, यहां से ये पचमढ़ी इधर आएगी, फिर यहां जाते जाते ये सोन रिवर, और यहाँ हम यूपी में प्रवेश कर जाते हैं जहां पे ये मिर्जापुर एरिया जाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल देखेंगे तो हमको इन एरिया को ज्यादा सा पढ़ना है, ये वाले एरिया। ठीक है, तो इस एरिया में हम कैसे धीरे धीरे आगे जाएंगे, कौन सी चीज क्या होती है, थोड़ा सा एरिया को समझिएगा, है ना, कैसे मिर्जापुर, मतलब जैसे यहाँ मिर्जापुर है उससे इतनी दूर पे, इस एरिया में भी हमको
सोन रिवर के आसपास बीजू पेंटिंग्स मुख्य मिली हैं। ठीक है, यहाँ मुख्य की बात हो रही है और कुछ इधर छत्तीसगढ़ के इधर है, जो रायगढ़ और उसका मिक्स होता है ना सिंघनपुर एरिया में, वहां पे। तो हम लोगों ने ये सेंटर मेन देखना है। ठीक, अब हम लोग आगे शुरू कर देते हैं। सबसे पहला केंद्र जो हम मध्य प्रदेश का देख रहे हैं वो है पचमढ़ी। ठीक है, पचमढ़ी एक बहुत अच्छा तीर्थ स्थल, हिल स्टेशन मध्य प्रदेश का माना जाता है। ये जो है सबसे पहली चीज है, ये महादेव पर्वत, मतलब जो उधर जो पचमढ़ी एरिया है वो मतलब एक पहाड़ी एरिया को ही कहा जाता है, और वहीं के जो पहाड़ी है उनको महादेव पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, महादेव की पहाड़ियां कहा जाता है। तो वहां पे जो पेंटिंग्स हैं वो उसको हम लोगों ने पढ़नी है। ठीक है, ये 5 मील के घेरे में, मतलब 5 मील के एरिया में 50 गुफाएं हैं, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ गुफाएं पचमढ़ी का पूछे जाए, है ना, तो वो कितनी है, 50 है। अब ये अल्टामिरा स्पेन के समकक्ष मानी जाती है। ठीक है, ये उसकी इक्विवेलेंट मानी जाती है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी भारत की ऐसी प्रागैतिहासिक गुफा है जिसके चित्र या जिसकी चीज वो अल्टामिरा के वो मानी जाती है, तो वो आप उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसका परिचय, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमको सभी गुफा में देखनी है। देखो, चीजों को याद करने के मतलब की इसका लोकेशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, उसमें जो कुछ अगर नंबर ऑफ केव्स वगैरह के बारे में है थोड़ा बहुत तो वो पता होना चाहिए, प्लस इसका परिचय कब दिया, किसने दिया, और उसमें फिर पेंटिंग्स कैसी हुई और क्या सब्जेक्ट, बस उससे कहानी कंप्लीट हो जाती है। ठीक, तो ये जो है इसको सबसे पहले जो है हंटर, ये बहुत कंफ्यूज होते हैं आप लोग, 1932 में हंटर ने इसको परिचय दिया, मतलब हंटर ने बताया कि भाई ये कि ये इस तरह की गुफा है, यहाँ पे ऐसे चित्र बने हुए, ऐसा ऐसा परिचय किसने दिया था, जीआर हंटर ने दिया था। ठीक है, लेकिन 1936 में जॉर्डन ने जो है ये इसको प्रकाश मिला है, प्रकाश मिला इन द सेंस जो उनका वो महादेव हिल्स का वो है रिसर्च पेपर, वो उन्हें लिख के वो सबके सामने लाए। ठीक है, तो एक जस्ट बता देना, बट उसे एज रिसर्च प्रूफ करना, वो परिचय होता है, वो आपको इंट्रोडक्शन होता है। तो वही चीज जब तक पब्लिश नहीं होगी तब तक वो चीज प्रकाश में नहीं आती है, परिचय दे देना बात डिफरेंट है और प्रकाश लाना बात डिफरेंट है। इसलिए जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई जीआर हंटर ने क्यों इनका इसकी खोज का श्रेय जॉर्डन को क्यों बोलते हैं, तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रकाश में लाने का श्रेय जॉर्डन ने दिया था, जबकि जो इसका परिचय था वो हंटर द्वारा दिया गया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये जो एरिया है, ठीक, ये एरिया है अलग अलग, अब देखो पचमढ़ी का एरिया है, वहां पे महादेव पर्वत श्रृंखला, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आगे जो मिर्जापुर एरिया है और उनमें भी यही आना है, उसमें छोटी छोटी जैसे इस तरह का जो केंद्र है वहां पे छोटे छोटे एरियाज हैं और उनको नाम दे दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए इतना पर्टिकुलर ये निम्बू भोज एरिया है, इमली खो एरिया है, बाधादेव की गुफा है, महादेव बाजार गुफा है, तो ये सब उसी के अलग केंद्र है, पचमढ़ी से कुछ अलग नहीं जा रहा है। ठीक है, वही एरिया है, उधर के जो उस जो एरिया जिसको आप सिर्फ एक एज ए हिल स्टेशन नाम पचमढ़ी जानते हैं, उसी के आसपास की जो एरिया है उसमें जो पेंटिंग्स मिली है वो हम देखना है। ठीक है, तो निम्बू भोज जगह है जहां पे एक सफेद रंग का इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, मतलब क्योंकि बात समझने की कोशिश करो, जो ये है भीमबेटका को हम भले इससे बाद में देखेंगे पर भीमबेटका के बाद की मानी जाती है। ठीक है, तो इस समय क्या होता था, एक ग्रुप में रहना चालू हो गए थे, एक कल्चर बनना चालू हो गया था, जैसे मैंने आपको नियोलिथिक पीरियड बताया। ठीक है, तो नाचना गाना ये सब चीजें, इनका सोशल वर्क हुआ करता था। ठीक है, तो इसी समय इसलिए पचमढ़ी में बहुत सारे डांसिंग और म्यूजिक इस तरह के पेंटिंग्स मिलेगी आपको, उसका सब्जेक्ट मैटर यही मिलेगा। ठीक, फिर आते हैं इमली खो जगह। इमली खो जगह है, काले रंग से सांभर के आखेड़ का चित्र यहाँ पे मिला है। ठीक है, सांभर का आखेड़ मतलब डियर का हंट। ठीक है, देखो इधर दिखा है क्या, देखो ये डांसर्स को आप देख सकते हैं कि ये जो पेंटिंग है ये पचमढ़ी की है, इस तरह से नृत्य करते हुए के अगर फिगर तो है लेकिन वो एक डांस के पोस्चर में जो है वो पचमढ़ी में मिले हैं। ठीक, फिर ये तो गोट है, ये है। ठीक है, ये इस तरह का आखेट ही है, सांभर का आखेट नहीं है लेकिन आखेट है, दूसरा एक होगा डियर आखेट, डियर का आखेट है। तो वो आखेट ऐसा कि ये जो हंटर है देखो आप, ये उसको मारे और यहाँ पे तीर भी लगे हुए हैं। ठीक, तो ये सब ये जो चीज है इमली खो में मिला है। फिर भाड़ा देव की गुफा में एक छत पे शेर का आखेट इस तरह का बना हुआ है। ठीक है, अब मेरी बात को फिर से कनेक्ट करो आप, बात क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि
छत पे बने हैं, तो पचमढ़ी में भी छत पे चित्र मिले हैं। छत पे चित्र मिले और छत पे वहां कहां चित्र मिले थे, अल्टामीरा में, ठीक है। तो इसलिए उसको भी एक एक ये कनेक्शन भी है कि उसको उसके समकक्ष माना जाता है, ठीक। एक बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग, जैसे कि हर गुफा की एक वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है जो मैं आपको मार्क करवाऊंगी कि आपको वो चीज नहीं भूलनी है, क्या है इसकी गुफा, इसकी कौन सी वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, वो है विशालकाय बकरी, जिसको कहते हैं आप जायंट गोट। तो विशालकाय बकरी कहां से मिली, अगर मोटे तौर पर बोले तो आ जाएगा पचमढ़ी, आ जाएगा होशंगाबाद, आ जाएगा तो आप पचमढ़ी पे जाएंगे। और ऐसे तो महादेव बाजार गुफा जो है, बाजार केव जो है पचमढ़ी की, वहां पे विशालकाय बकरी मिली है। जितने भी लोग कमेंट में बोल रहे हैं स्क्रीन क्लियर नहीं है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जो लिसनर्स हैं आप उनको प्रोसेस बता दीजिए कैसे उनकी स्क्रीन क्लियर आएगी, ठीक। फिर आते हैं बनियाबेरी। बनियाबेरी भी जो एरिया है वहां पे स्वास्तिक और डांस उस तरह की पेंटिंग्स मिली। तो देखो मैंने आपको बताया था कि प्रागैतिहासिक पीरियड में एक बहुत बड़ी चीज जो जगह थी वो थी उनका जो एक थॉट है, ठीक है। कैसे, मतलब जो उनका जादू टोना है, जो उनका अपना कल्चर के प्रति जो ऐसा भी नेचर है, जो उनका विश्वास है ना, ये वाली चीजें एक बहुत बड़ी टॉपिक इनका हुआ करता था, ठीक है। तो इसी चीज के अंदर आता है जो विश्वास था उनके अंदर, ठीक है। कैसे विश्वास था कि जरूर नहीं है रोज उनको आखेट मिल रहे हैं, रोज उनको शिकार मिल रहा है अपना, नहीं मिलता है। तो किसी बार नहीं मिलता था तो वो उनकी पेंटिंग्स बना देते थे। प्लस कभी उनको अगर कुछ ज्यादा फील होता है यार, क्योंकि देखो मेजोलिथिक में आया तो फीलिंग तो डेवलप होने लग गई ना, क्योंकि एनिमल्स के साथ उनकी, तो अगर कभी कुछ को एज ए श्रद्धांजलि के तौर पर भी वो उस पेंटिंग को बनाते थे। तो यही सब चीजें उनके अंदर जो थॉट था, इसी चीजों में जो सिंबॉलिक्स थॉट भी वो लोग बनाने लगे, और इसलिए हमको पेंटिंग्स में सिंबल्स भी मिलने लगे, ठीक है। उस तरह का जो स्वास्तिक और ये सारी चीजें भी थोड़ी बहुत मिलने लगी। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे ये मेरे को विशालकाय गोट की पेंटिंग तो नहीं मिल पाई, लेकिन इस तरह की गोट बकरियों के और डिफरेंट एनिमल्स के पेंटिंग भी यहाँ पे मिले हैं, कहाँ पे, पचमढ़ी में। ये डांसर्स की पेंटिंग्स आप देख सकते हैं। ये जो है ये अब एक्सरे स्टाइल क्या है, तो एक्सरे स्टाइल बहुत बार आएगा, आगे भी हम जाएंगे जिन सब्जेक्ट में, जिन दूसरे जगह पे, तो वहां पे भी ये बोले एक्सरे स्टाइल पेंटिंग बताए। तो प्लीज एक बार कमेंट में आप लोग अगर प्रेजेंट हैं तो पहले मैं आगे भी फिर से आएगा एक्सरे स्टाइल। एक्सरे स्टाइल का मतलब क्या होता है, इसमें एक्सरे स्टाइल क्या दिख रहा है आपको पेंटिंग में, एक्सरे स्टाइल पेंटिंग जो बोलते हैं उसका मतलब आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं। मुझे क्या है, मुझे आपकी एक्टिविटी मिलेगी तभी क्लास कंटिन्यू होगी, अदरवाइज वो नहीं हो पाएगी। मैं, मुझे ऐसा सिंगल पढ़ाने की आदत नहीं है, लाइव जुड़े हैं तो मुझे फीडबैक चाहिए, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सरे स्टाइल, एक्सरे स्टाइल को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, क्यों ऐसा कहा गया कि इसको एक्सरे स्टाइल कहते हैं, ठीक। अब देखिए, तो यही कुछ जगह हैं, लश्कारिया खो, जम्बू द्वीप, नींबू भोज, बनिया बेरी, मारा देव, नाखिया, जलाई, ये वाली चीजें, ये जो एरिया है ये सब पचमढ़ी का एरिया माना जाता है, क्योंकि ये पांच गुफाएं काटकर बनाई गई है। इसलिए अब ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि कौन सी गुफा ऐसी है, कौन सी जगह ऐसी है जो पांडवों की वनवासकालीन गुफा मानी जाती है। माना जाता है कि पांडव ने इस समय वो मतलब वहां पे स्टे किया था, और ये क्योंकि पांच गुफा की काट के बनाई गई, इसलिए उसको पांच पांडवों की गुफा, मतलब ये उनकी वनवासकालीन गुफा मानी जाती है, ठीक। तो ये चीज आपकी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दो तीन पॉइंट आपको बता दिया, मेन पेंटिंग बता दिया, ये आप लोगों को लर्न करनी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पेंटिंग्स, कौन कौन सी पेंटिंग्स यहाँ पे आई, मैंने ऊपर तो आपको बता दिया था, लेकिन आगे देखते हैं कि कौन कौन सी पेंटिंग्स अब यहाँ पे आई है। पशु, एनिमल्स, आखेट चित्र, हंटिंग के चित्र, युद्ध का दृश्य, नृत्य वादन चित्र और दैनिक जनजीवन, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कैसे कि पशुओं का तो होगा, आखेट चित्र होंगे, युद्ध के दृश्य होंगे, क्योंकि उस समय अब ग्रुपिंग चालू हो गई, ये टाइम पीरियड क्या हो गया आप समझ लो, ऑब्वियसली होगा। नृत्यवादन, क्योंकि अब इतना सब यार काम करते थे, ये सब करते थे, तो इतना तो थोड़ा
हाँ, अब किसी ने बोला है मुझे स्टिक फिगर लाइन वर्क, फिर भी मुझे आंसर्स बहुत कम दिख रहे हैं। जितने लोग वॉच कर रहे हैं वीडियो को उस कंपैरिजन मुझे आंसर्स बहुत कम दिख रहे हैं कि मुझे ये चाहिए कि बताइए एक्सरे स्टाइल जो आपको दिखाया है उसका क्या मतलब आप समझते होंगे, बताएंगे आगे, क्योंकि जब तक आ जाएगा पेंटिंग एक्सरे स्टाइल फिर से उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक, ये हो गया। तो सफेद कलर का आपको साफ दिख रहा है, सफेद कलर का ज्यादा है कलर यूज किया गया, रेड कलर अंडरलाइन हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं ये सांभर का आखेट, मैंने आपको ऊपर बात की, वही जो सांभर आखेट दिख रहा है तो ये है वो, है ना, बाद में लगा दी पेंटिंग, आपको मैंने दिखाया था और बताया था, ये भी व्हाइट कलर में है। अब इसमें आपको कोई समझाने की जरूरत नहीं है, साफ इसलिए फोटो इसीलिए लेके आई हूं कि आपको वो चीज साफ समझ में आ जाए। ठीक, ये देखिए घुड़सवार योद्धा, ये आपको जैसे कि बताया था मैंने, है ना, घुड़सवार के इस तरह से योद्धा, ये भी व्हाइट कलर्स में आपको दिख रहे हैं, है ना, वो कितना प्रॉपर, और ये एक तरह से आप दैनिक जनजीवन पे ले सकते हो। फिर ये देखिए शेर का आखेट, अभी ऊपर बताया था वो पीछे आ गया नीचे, शेर का आखेट बताया आपको जो छत पे हुआ है ना, ये बताया आपको ऊपर, देखो कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो ये जो है ये बाड़ा डेव में शेर का आखेट दिखेगा आपको, ये इस तरह से छत पे भी बना गया है, ये रहा शेर, ये उसका आखेट कर रहे हैं प्रॉपर। ठीक, ये रहा शेर और ये उसके हंटर्स। ठीक, तो ये चीज आपको साफ देख लेने की है, रटने की कोई बात ही नहीं है, सामने पेंटिंग बहुत मुश्किल से लाई हूँ ये मैं मानती हूँ, लेकिन बस इससे आप लोग को हमेशा याद, ये बंदर देखो कितने क्यूट है। ठीक है, तो ये दैनिक जनजीवन, इसलिए पशु और ये सारी चीजें भी इसमें होती है। सिंबल्स जो आपको बताया, ये ट्रीज के सिंबल, ये डिफरेंट सिंबल्स आपको जो ऊपर मैंने बताया वो भी यहाँ पे इस तरह के मिले हैं। ठीक, क्योंकि ये इसलिए लाए कि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। बर्ड्स और हंटर, ये चिड़िया, ये हंटर, और आपको ये चीज इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अब रट गई होगी कि सफेद रंग अधिक यूज हुआ है और कहीं कहीं जो है रेड और ब्लैक की लाइनिंग है, जाकि बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अश्वधारी, ये दिख रहा है आपको आर्कर किस तरह से वो चला रहा है, ये नृत्य डांसिंग, आपको भी डांसिंग सीन्स दिख ही रहे हैं, इस तरह के डांसिंग सीन आपको मिर्जापुर में भी एरिया में भी मिलेंगे, आपको भीमबेटका एरिया में भी मिलेंगे। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, थोड़े मिलेंगे लेकिन अधिक, सबसे अधिक पचमढ़ी में है। हाँ, ये भी देखिए एक तरह से शस्त्रधारी भी दिखेंगे ना आपको, ये यहाँ की स्पेशलिटी है पचमढ़ी की, कि अगर शस्त्रधारी कुछ चीज देखो, इन्हें शस्त्र उठा रखे हैं फिर भी वो नाच रहे हैं, है ना, तो शस्त्रधारी भी नाचते नाचते ये लोग युद्ध करते हैं, ऐसा याद रखेंगे थोड़ा तो, कि पचमढ़ी है, इतनी हिल स्टेशन, हिल एरिया, हिली एरिया है, तो वही वहां पर तो नाचने गाने की इच्छा करती है, तो भाई लड़ेंगे भी तो भी नाचेंगे गाएंगे, तो ये थोड़ा सा आप उसको ऐसे जमा के याद रख सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग आती है, शहद इकट्ठा करती हुई महिला, इस तरह से, अगर इसका कहीं कोई बुक में तो लाइन भी है, रीता, डॉक्टर रीता प्रताप में है, लाइन स्केच भी दे रखा है, पर ये मैंने ओरिजिनल लिया है, कि ये जो है इसका छत्ता है यहाँ पे, और यहाँ पे फिगर बना हुआ है जो कि इस छेद को एकत्रित कर रहा है, तो ये एक दैनिक जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग होता है, और ये भी आपको दिख रहा है व्हाइट कलर में है ना। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है कि पचमढ़ी में कितने प्रकार की पेंटिंग्स मानी जाती है। ठीक है, उसको भी रटते हैं लोग, अरे बहुत रटते हैं, नहीं यार इसमें 4 प्रकार की, इसमें 5 प्रकार की, अरे इसमें क्या रटना है, जो दिख रहा है उसको सामने देख के वो कर लो। इसमें भी रटते हो कि नहीं, इसमें तीन थी, एक ही चीज को 10 बार को, इसको भी एक ही चीज 10 बार, इतने कंफ्यूजिंग क्वेश्चन चलते हैं बहुत ग्रुप में, क्या है चीजें को याद रखना बस कि 3 प्रकार की, कैसे 3 प्रकार की, एक पहली है डमरू नुमा, लोगों को ये भी नहीं पता था, तीन दो चार बोल रहे हैं तो उसको क्या मतलब, उस वो कितने प्रकार की होगी वो तो याद रख लो, कैसे होगी, कैसे बोल रहे हैं हम तीन, वो वजन होना चाहिए उस बात पे, तो सीधी बात है भाई, अलग अलग टाइम पे बनी है, अभी अपन जब भीमबेटका देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि ऐसे डिफरेंट टाइम्स में पेंटिंग बनी है, मतलब जैसे हम बोलेंगे कि पेलियोलिथिक की फिर मिजोलिथिक की, ऐसे ऐसा थोड़ी किसी वे की बार बनी है, जो अभी पेंटिंग है वो क्या आपको क्या लगता है पेलियोलिथिक की बनी हुई है, नहीं, वो अभी यही अर्ली एंशियंट आर्ट, एंशियंट टाइम की बनी हुई है, नियोलिथिक और के बाद का जो कैल्कियोलिथिक पीरियड है, इन पीरियड्स की अभी दिखती है हमको। ठीक है, तो जो उसकी प्लेट्स दिखती है ऊपर, है ना, बनी है उस समय भी, तो ये जो है ट्राइंगुलर मतलब डमरू नुमा, ये इस तरह की आकृति, ये वर्ली वाली जैसी जो आप बोलते हो, ये स्टिक फिगर जो सब बोल रहे हैं ना, बड़े अच्छे से बोल रहे हो स्टिक फिगर, स्टिक फिगर, तो ये वाली जो फिगर है, ये फिगर तो एक तरह का हो गया, मतलब जो इसमें, अब सबसे पहली बात दैनिक जीवन वो है,
फिगर्स बने हुए, तो सबसे पहली चीज जो ये है वो ये है कि इस तरह का डमरूनुमा ट्राइंगुलर पेंटिंग बोलते हैं। दूसरा जो है ये बेडोल है, असंतुलित, मतलब फिगर जैसा बनाने की तो कोशिश की, थोड़ा आगे आते आते अपने आप समझ आई यार पैलियोलिथिक में तो भाई हम आंख नाक मुंह क्या हाथ वात के पोस्चर ही बना दे वही बहुत था, लेकिन फिर अब थोड़ी सोचने समझने जैसे मैंने आपको बोला कि आगे आए मिजोलिथिक नियोलिथिक के, नहीं भाई हम इंसान है जानवर है इस तरह का थोड़ा अंतर तो होना चाहिए। नहीं पहले तो इन क्या है भाई सब एक्स है, उनको शायद उनको कोई अंतर ही नहीं दिखता था मनुष्य और एनिमल, धीरे धीरे समझ आया भाई हम इंसान है वो जानवर है, तो फिर वही चीज का इफेक्ट पेंटिंग में भी दिखाने लग गए। तो वही जो दिखाया उनने उसमें क्या है, ये बनाए कोशिश की, अब एकदम कलाकार कैसे बन जाएगा तुरंत, तो कोशिश की थोड़ी बहुत तो ठीक है थोड़े हाथ पोछे, लेकिन एनाटॉमिकली अच्छी सी इतनी बढ़िया से नहीं बनाई, और फिर भी एसिमेट्रिकल फिगर्स बनाए लेकिन स्टिक फिगर से अलग थे। ठीक, तो ये हो गया आपका सेकेंड नंबर का पॉइंट। अब बचा क्या तीसरा, धीरे धीरे फिर यार कलाकार है वो, धीरे धीरे थोड़ी कोई मतलब कला तो वहीं से आई है, तुम कितने भी पेंटिंग बना लो वही तुम्हारे पूर्वज तो यही थे और यही देखे गए तुमको, तो देखो भाई एक बार फिगर देख लो मजा आ जाएगा। और ये फिगर वहीं पे बना हुआ है जो अभी मैंने आपको बताया शेर का आखे, ठीक है, भादा डेव में, तो यही बना हुआ है शेर, शेर दिख रहा है इतना सुंदर, अभी भी चाहो तो किसी पेंटिंग में इसको यूज कर सकते हो कोई भी पेंटिंग में, है ना, किसी भी स्टाइल में। और इस तरह के अब बताओ प्रागैतिहासिक कालीन मनुष्य ने ये पेंटिंग बनाई है, ठीक, चाहो तो इसको एक कैनवास में फॉर्म करके हम बना सकते हैं। तो ये वाली चीज जो होती है वो एकदम नॉर्मल बैलेंस फॉर्म, जिसको तीसरा फॉर्म बने, ठीक, ये जो इनका ये देखो ये पूरा राजा एक हंटर अलग सा दिख रहा है, ये उसके सहायक छोटे छोटे ये अलग दिख रहा है, और ये शेर आखेट की साइन में अलग दिख रहा है, सीधे खड़ा हुआ नहीं है कुछ तो भी लाइन फिगर से, ठीक। तो ये वाली चीज जो है ये क्या हो गई, सीधे नॉर्मल बैलेंस पेंटिंग है भैया, शानदार सी कितना तरीके से बनाया है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, फिर से रिपीट करूंगी, कुछ भी बनाया बनाया सब सफेद में, ठीक, ये अंतर दिख रहा है आपको, और अभी चल रही है अपनी पचमढ़ी की गुफा, ठीक। तो ये हो गई, अब भूलोगे नहीं कभी कि कितने प्रकार की पेंटिंग्स यहाँ पे मिली है, तीन प्रकार की, ठीक। तो ये इतना था अपनी पचमढ़ी। अब आज जो है मैं भीमबेटका भी कंप्लीट करूंगी, एमपी कंप्लीट करूंगी, फिर कल अपन, और मुझे ऐसा लगता है ये ऐसी लाइट क्लास होनी चाहिए, 1.25 घंटा है, ठीक है, स्लो एंड स्टेडी विल विन द रेस, ठीक है, एकदम आपको भी हैपन नहीं लगे, आज पचमढ़ी पढ़ लो, भीमबेटका पढ़ लो, खुश रहो, मैं भी खुश रहूं, ठीक। तो भीमबेटका पचमढ़ी को हम लोग देख चुके हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन पे इतना सा बता दो कि पचमढ़ी गुफा में सबसे ज्यादा कौन से रंग के चित्र पाए गए हैं, बता दो, मैं भीमबेटका लिखती हूँ, देखती हूँ मतलब। अब भीमबेटका क्या है, ये थोड़ा सा अपनत्व ही है, मध्य प्रदेश की जगह है, पचमढ़ी भी मध्य प्रदेश की थी, इसको जू रॉक शेल्टर भी कहते हैं, बहुत बार आता है क्वेश्चन और उसमें भी कंफ्यूज होते हो, नहीं जू रॉक शेल्टर ये होगा वो होगा, उसमें भी कंफ्यूज होते हो, तो ये जू रॉक शेल्टर नाम की चीज क्या है, भीमबेटका है, याद रखना। अब ये कहाँ पे है, तो एमपी की राजधानी है भोपाल, ठीक है, भोपाल से 60 किलोमीटर दूर, भोपाल से 60 किलोमीटर दूर है, नर्मदा की जो ना माँ नर्मदा की जो किनारा है वहां पे जगह पड़ती है होशंगाबाद, जिनको अब नर्मदापुरम बोल दिया गया, ठीक है, अब प्रेजेंट नेम उसका नर्मदापुरम है, लेकिन बुक्स में आपको होशंगाबाद मिलेगा, होशंगाबाद और ओबेदुल्लागंज उनसे बीच में 22 किलोमीटर फ्रॉम भीमपुरा विलेज, ठीक है। अब बोलोगे कि किसी बुक में ये लिखा हुआ है, किसी बुक में ये लिखा हुआ है, किसी बुक में लिखा हुआ है 60 किलोमीटर फ्रॉम साउथ ही, भाई बात तो सबकी एक ही मतलब है, वो लैंडमार्क अलग अलग चेंज कर रहे हैं, इसमें भी कंफ्यूज होते हो कि ये इसके पास है कि उसके पास है, एक बार चीज को समझ के तो देखो कि जो भोपाल से 60 किलोमीटर दूर है वो भीमपुरा गांव से 22 किलोमीटर दूर है, ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया सब। हाँ, पचमढ़ी में व्हाइट कलर ज्यादा अत्यधिक पाया गया है, और वो आपने अपनी आंखों से देख लिया तो आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक, ये हो गया। और एक चीज बता देना, पचमढ़ी गुफा के चित्रों की खोज किसने सर्वप्रथम की, आंसर लिखो, व्हाइट हो गया बहुत सारा, पचमढ़ी गुफा के चित्रों की खोज किसने सर्वप्रथम की, यहाँ खोज देख रही हूँ इसलिए वो बता रही हूँ, है ना, ईयर नहीं पूछ रही हूँ, सिर्फ खोज बता दो, आज ईयर कल पूछेंगे, ठीक है, अभी सिर्फ खोज बता दो, इसकी डिस्कवरी किसने करी, नाम पूरा लिखना, इज्जत से लिखना, हमको आज पचमढ़ी की गुफा के बारे में बता के गए हो, अच्छे से देना नाम, इज्जत से लिखा करो जिसके भी जब भी पूछूं, ठीक है। इनकी डिस्कवरी जो है, एक नहीं लिखेगा ढंग से नाम, तुम्हारा नाम कोई अधूरा लिखते हैं तो कैसा लगेगा तुमको, बताओ जरा,
नाम तो अच्छे से लिखो यार। चलो V.S. वाखनकर जी, इनसे भी बहुत गहरा है, मतलब क्यों बोलूंगी क्योंकि जहां मैं रहती हूँ उज्जैन मध्य प्रदेश, वहां मैं चित्रकला शुरुआत करने का हकदार इन्हीं को माना जाता है, मतलब डॉक्टर V.S. वाखनकर जी जो HOD और प्रोफेसर हैं, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हेड प्रोफेसर थे विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन। ये मेरी खुद की यूनिवर्सिटी है इसलिए ज्यादा अटैचमेंट है इस चीज से, ठीक है। तो उनके ये HOD और प्रोफेसर रह चुके हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, V.S. वाखनकर जी। और इनकी एक पर्सनल स्टोरी मैंने ऐसे सुनी है कि वो ही वॉज मूविंग इन अ ट्रेन आई थिंक, और उन्हें उस तरह से दूर से वो कुछ गुफाओं जैसा कुछ दिखा था और उनको उस चीज का पता लगा था, और सर अचानक ट्रेन से उतर गए थे और उतर के वो वहां चले गए थे, और उन्हें फाइंड आउट करा था द भीमबेटका केस, ठीक है। तो 1958 ईयर भी इंपॉर्टेंट है, ये पद्मश्री है ध्यान रखना, लिखा नहीं है मैंने पर मैं बता रही हूँ, ठीक है। पद्मश्री है V.S. वाखनकर जी, कौन सी यूनिवर्सिटी से है ये भी पूछते हैं। इन्होंने 1958 में भीमबेटका को खोज की थी। मुझे आंसर नहीं बहुत कम लोगों के मिले जबकि जुड़े हुए इतने सारे लोग हैं। खुद तो सोचो, पढ़ाई कर रहे हो यार, थोड़ा सा फीडबैक तो दियो तो मजा आएगा, मुझे लगेगा कोई पढ़ रहा है मुझसे, अदरवाइज मैं खुद ही पढ़े जा रही हूँ, वही वीडियो बना रही हूँ, मैं एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ यार, ऐसा लग रहा है वही वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक। तो टोटल गुफाएं पचमढ़ी की क्या है, 600, टोटल 600 गुफाएं हैं। पेंटेड गुफाएं 275 है, किसी गुफा में 400 भी लिखा है, किसी गुफा में 475 भी लिखा है, 275 याद रखना, ऐसी कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन आता नहीं है पर फिर भी याद रखना, ठीक। ये तो कहानी हो गई, इसका जनरल इंट्रोडक्शन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था रॉक पेंटिंग्स एंड महादेव हिल्स, बताना भूल गई, ये ऊपर बता दिया था शायद, ये जॉर्डन ने पेपर लाए थे सामने, पेपर लिखा था और उसको प्रकाश में लाए थे, ठीक। ये वाली चीज अलग थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, भीमबेटका की जो है उसका इंट्रोडक्शन, मतलब वो तो वाकणकर जी ने किया था, लेकिन उसके बाद ही 30 सितंबर 1973 में, ये बहुत बुक में लिखा है इसलिए मैंने इंक्लूड किया है, थोड़ा याद रखना, 1973 में, ठीक है। 1958 में उन्हें कर दिया था, प्रकाश में ले आए थे, लेकिन 1973 में जो है वीरेंद्र नाथ मिश्र नाम के व्यक्ति ने भीमबेटका की गुफाओं का रहस्य नाम का लेख लिखा था। तो याद रखना, भीमबेटका की गुफाओं का रहस्य, मैंने प्रकाश में लाने की बात, मैंने परिचय देने की बात नहीं करी है, खोज किसने सर्वप्रथम की है उसका क्वेश्चन पूछा है, पचमढ़ी की खोज किसने सर्वप्रथम की है उसका क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। तो ये वाली चीज थोड़ी बहुत भीमबेटका की जो याद रखनी है, प्लस भीमबेटका एक, चलो आगे बताते हैं। अब इसके चित्र भी दीवारों छतों पर मिले हैं, देखो है एरिया पास पास का भीमबेटका और पचमढ़ी, इसलिए बहुत चीजें मैच भी खाएगी, है ना, उस तरह से थोड़ा सा याद रखना। लेकिन वहां पे थे कितने प्रकार के, 3 प्रकार के चित्र, यहाँ पे 2 हैं। दो कैसे, यहाँ पे दो मतलब कैसे बोलते हैं ये दो, एक तो ये है कि ऐसा पेंटिंग है जहां पे लिखा है क्या, चलो नीचे ही होगा फोटो में बताती हूँ, जहां पे जो मनुष्य है और जो एनिमल्स हैं उनको अपोजिट में बताया गया, अपोजिट में बताया इन द सेंस शिकार करते हुए बताया गया, जैसे ये लिखा हुआ है, जानवर में हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीत, जंगली भैंसा, घोड़ा, हाथी, अष्टधारी, घुड़सवार, ये सब है, ठीक है। तो एक तो ये है कि वो लड़ाई कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, है ना, एक तो ये हो गया। अरे वही, मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो, खोज वो होती है जो हम एज प्रूफ उस चीज को बताते हैं, ठीक है, डिस्कवरी, तो वो चीज आप बताइए किसने लिखी है, मैंने आपको बताया है कि उसका, उसको प्रकाश में कौन लाया, उसको इंट्रोड्यूस, उसको सामने कौन लेके आया है, वो जॉर्डन लाए हैं, और जो सिर्फ एक परिचय हुआ है वो हंटर द्वारा हुआ है, इसलिए आपको जॉर्डन को ध्यान में रखना है कि जॉर्डन ने उसकी डिस्कवरी की है, इट इज डिस्कवर्ड बाय जॉर्डन। चलो, और दूसरा, एक पेंटिंग तो ये हो गई, दूसरी पेंटिंग जो है वो है मानव को जानवरों के साथ मित्र के रूप में बताया गया। अब ये टाइम का स्पैन हो गया क्योंकि
यही टाइम का स्पैन हो गया, क्योंकि फर्स्ट पहले टाइम में मैंने आपको बताऊंगी अभी कि डिफरेंट टाइम में बनी है। तो पहले तो वो लोग, मैं आपको इंट्रोडक्शन इसलिए देते हैं, पहले तो वो लोग क्या समझते थे कि भाई ये तो सिर्फ शिकार करके खाने के लिए है मनुष्य, वो एनिमल्स। लेकिन फिर वो जब मीजोलिथिक नियोलिथिक तक आए तो वो पशुपालन सभ्यता चालू होने लगी, और इसलिए वो पेंटिंग्स भी हमको यहाँ पे दिखने लग गई। मानव को जानवरों के साथ मित्र के रूप में दर्शाया गया था, ठीक है। चित्र में लाल और सफेद रंग मुख्य प्राप्त हुए, जैसे कि हमने उसमें भी दिखाया। लेकिन फिर से याद रखें कि भीमबेटका एक ऐसी गुफा है जहां पे हमें कलरफुल पेंटिंग्स मिलती है, ठीक है। कलरफुल पेंटिंग्स मिल रही है, भीमबेटका एक ऐसी गुफा है, याद रखना। अब इसकी तकनीक, तकनीक क्या मतलब क्या क्या चीजें यूज हुई होगी, ये देखो अभी बता रही हूँ। इट इज द ओनली सेंटर जहां पे आपको मल्टी कलर्स पेंटिंग्स मिलेंगी। मोस्टली हमने मिश्रित रंग के शेड मिले, सफेद, पीला, नारंगी, लाल, गेरू, बैंगनी, भूरा, हरा और काला। ये सब काय से बनते हैं, चट्टान से और खनिज जो मिनरल के पिगमेंट्स हैं उनको पीसकर बनाए जाते हैं, ठीक है। गेरू आपको पता है रेड से, कालकेडोनी से ग्रीन बनता है, कोल से ब्लैक बनेगा, लाइमस्टोन से व्हाइट बनेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें इससे बनती है, नेचुरली बनती थी, और इसलिए हम क्या बोलते हैं, बोला था मैंने आपको भीमबेटका में कलर्ड पेंटिंग मिली है, जबकि पचमढ़ी में आपको मैं ऊपर दिखा चुकी हूँ। उन्हें स्थिर बनाने के लिए, उन्हें लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए इसमें जानवरों की चर्बी या गोंद या पेड़ों के जो रेजिन होते हैं ना, ये सब चीजें मिलाई जाती थी। तो वो ही क्वेश्चन आता है कि यार आज तक इतने जीवित कैसे हैं, आज तक इतने लाइव कैसे हैं, तो वो इसलिए हैं बाबा। फिर आते हैं ब्रशेस का क्या यूज करते होंगे, तो ये सब इन जनरल है उनकी, वही प्लांट फाइबर्स, जानवरों के हेयर्स, ये सब यूज करते थे। अब ये चीजें देखो, वो ऊपर मैंने आपको वो तो दिखा दी कि वो कैसे डिफरेंट है ना, इसलिए मैंने वापस बोल रहे हैं कलरफुल तो पचमढ़ी में भी है, लॉयन वाली ध्यान देना थोड़ा सा उसमें, कि उसमें रेड कलर ही यूज हुआ है सिर्फ, थोड़ा सा ध्यान देना उसमें, सिर्फ रेड कलर मैंने आपको शो किया था, ठीक है। लेकिन ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं और कि पचमढ़ी में जो भीमबेटका में है ना कुछ दूसरे कलर्स भी मिले हैं, इसलिए उसको बोलते हैं कि मल्टी कलर पेंटिंग्स है, ठीक है। अब ये जो है डिफरेंट स्पैन में कैसे पहचानी गई, भीमबेटका में जो पेंटिंग्स मिली है यार इस समय पे ये पेंटिंग बनी होगी कैसे, देखो। इस काल में बड़े आकार के जानवर, देखो अपर पेलियोलिथिक पीरियड है, बात समझ आ गई, तो पहले का टाइम था आपका सबसे पहले। इसमें क्या है, इन लोगों को और कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ जानवर दिखते थे कि वो जानवर हैं, उनको मारना है, उनको खाना है, बस यही चीज, और कुछ था उनके लाइफ में नहीं था। तो उस समय पेंटिंग कैसी मिलेगी, सिर्फ जानवर की और बड़ी बड़ी, उनको विशाल, तो इस तरह के जो विशाल, ये रोडिंग है, रोडिंग एनिमल है, इस तरह के जो विशाल बड़े आकार के बॉयसन, देखो बाघ, गेंडे, सुअर, छड़ी जैसे मानव आकृति दीवारों पर बनाई जाती थी, हरे और गहरे लाल रंग में, ठीक। नर्तकी को हरे रंग में और शिकारी को लाल रंग में चित्रित किया जाता था, ठीक है, इस तरह के इसमें मिलता था। तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट पीरियड। अब आगे बढ़ते हैं, ये आ गया मीजोलिथिक पीरियड। मीजोलिथिक आपको समझाया था, थोड़ा सा फीलिंग डेवलप होने लगी, एनिमल्स को अपने साथ लेके चलने लगे। तो इस तरह की एक बहुत अच्छी चीज देखो, ये देखो ज्यादा मुझे देखो पेंटिंग नहीं मिल पाई, ये साफ बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी बताती हूँ। छोटी साइज होने लगी, जितनी साइज पेलियोलिथिक की थी ना उससे थोड़ी छोटी, समझ आ गया भाई। अरे सिंबल बताने के लिए हम साइज को छोटी भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि जितना बड़ा एनिमल उतनी बड़ी पेंटिंग बनानी है ना, अपने स्पेस को हम कम भी कर सकते हैं। आर्टिस्टिक स्किल डेवलप होने लगी, सोच लो बात को कितनी मजेदार बात है ना। हम बोलते हैं वही कि जो दिख रहा है उतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, अपने स्पेस के हिसाब से बनाओ, तो वो फिर अब स्पेस डिविजन सीख गए, बट मोर इन नंबर्स, पर नंबर बढ़ गए ऑब्वियसली, जो मनुष्य अकेला रहता था अब वो ग्रुप में लग गया तो नंबर तो बढ़ेंगे। कम्युनल डांसर्स, ये है ना, पक्षी, संगीतज्ञ, माँ बच्चे, गर्भवती महिलाएं, मृत पशुओं को ले जाने वाले पुरुष, इससे क्या समझते हो, बहुत अच्छे से समझ पाओगे जो चीजें मैंने आपको पहली क्लास में रटवाई थी। रटवाई क्या थी कि भाई इस समय ऐसा हुआ, इस समय वैसा हुआ, वो पेंटिंग में साफ दिख रहा है इसलिए पता चला, ऐसे लिखा है, ऐसे उनने फाइंड किया कि ये वही वो समय था, प्रजनन आंदोलन वाला समय, जब ये माँ बच्चे ये सारी चीज, जब मतलब उनको समझ आया कि फीमेल डिफरेंट है। तो ये चीज कैसे पता चली, जब इनकी पेंटिंग्स मिली उनको ऐसे सिंबलाइज करती हुई,
ठीक है, मृत पशुओं को ले जाने वाले पुरुष, के भाई जब अगर पशु मर गए हैं उनके साथ जो वो जिसको पालते थे वो अगर मर गए हैं तो उनको वो ले जाके, और जो भी वहां पे मैंने आपको बताया गाढ़ने के अवशेष मिले तो वो ये चीजें भी उस चीज पर सपोर्ट किया। तो इस तरह की पेंटिंग, ये देखो इन पे चढ़ के वो अस्त्रधारी मतलब सॉरी घोड़े पे चढ़े हुए अस्त्र लिए हुए है ना, तो मतलब वो उनको मार नहीं रहे बल्कि उनको वो अपने सहायक के तौर पे भी यूज कर रहे हैं एज अ हंटर। तो ये चीज भी हमको कहा मिजोलिथिक में देखने को मिलती है। कैल्कोलिथिक पीरियड इसकी पेंटिंग जैसी देखी नहीं मैंने, मिजोलिथिक के जैसी ही, पर यहाँ पे क्या है थोड़ा सा एग्रीकल्चर में कॉन्टेक्ट आ गया। ठीक है, ये इस समय का जो पीरियड है अपना कॉपर एज वाली बात हो रही है, तो इस समय ये चीज भी आने लगी थोड़ी सी वेजिटेशन वगैरह ये सब दिखने। अब ये है अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, इस समय की पेंटिंग्स और बोलेंगे जो मेडिवल ये वाली पीरियड है ये पेंटिंग्स अभी आज दिखती है जो है। पेंटिंग एक सिस्टम स्कीमेटिक है, स्कीमेटिक मतलब एक योजना से जुड़ी है, एक स्कीम है उसके अंदर, मतलब एक पैटर्न समझ रहे हो, एक विषय है। रेड व्हाइट येलो कलर के हैं, रिलीजियस सिंबल यक्ष ट्रीज गॉड ये सारी चीजें यहाँ पे मिली है, इस तरह के सिंबल्स हैं रिलीजियस ये सब यहाँ पे मिली है। अब आते हैं मेडिवियल पीरियड, इसके बाद का पीरियड, इसमें भी सिस्टमैटिक पेंटिंग, व्यवस्थित चित्र जो आकार में रेखीय और ज्यामितीय है, ठीक है एक लीनियर पेंटिंग है, ज्योमेट्रिक स्टाइल में है। हेमेटाइट और लकड़ी के कोयले मतलब ब्लैक और व्हाइट को मिलाकर तैयार किए जाते थे, ठीक है कलर्स जो है वो इन चीजों से मिलकर बनाए जाते थे, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब आगे देखते हैं ये कुछ मुख्य पेंटिंग जो आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है, ये वही पैलियोलिथिक में बताई थी आपको, एक रोलिंग एनिमल जिसको ऑब्जर्व किया है कि वो बाइसन होगा, ठीक है लाल कलर से इसको बताया है, ठीक है थोड़े बहुत हंटर भी होंगे इधर आसपास छोटे मोटे, पर ये बोलते हैं ना एनिमल को बोलते हैं विजार्ड डांस मतलब छिपकली जैसा डांस, छिपकली की तरह में डांस, इस तरह का ये इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, भीमबेटका से प्राप्त है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो उसको आप लोग याद रखना। ठीक तो ये जो चीज है ये भीमबेटका की थी, ठीक है एक ही मंदसौर भी देख लेते हैं, एमपी की बात कर रहे हैं तो मंदसौर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक मोरी स्थान मंदसौर के जो जिला है उसके मोरी स्थान पर गुफा चित्र प्राप्त हुए, मंदसौर में भी गुफा है वहां पे प्राप्त हुए। क्वेश्चन ये ज्यादा बनता है जैसे कि 600 भीमबेटका में थी, 50 पचमढ़ी में थी, वैसे ये ज्यादा बनता है कि पचमढ़ी में सॉरी मंदसौर में कितनी गुफा थी, तो 30 गुफा थी। ठीक यहाँ पे जो है देहाती बांस से बनी गाड़ियां भी प्राप्त है, मंदसौर में बांस से बनी गाड़ियां प्राप्त हुई है। डांस नृत्यरत मानव पशु, पशु को हाकते ग्वाले मतलब डांसिंग ह्यूमंस, ये सब चीजें यहाँ पे भी प्राप्त है, एकदम कॉमन है ज्यादा वो नहीं। मोस्टली एक चीज बहुत अच्छी है कि यहाँ पे ये चित्र बहुत अच्छे हैं, सिंबॉलिक जो चित्र है ना वो मंदसौर में ज्यादा मिले हैं, स्वास्तिक हो गया, चक्र हो गया, सूर्य हो गया, साउट हो गया, इनसे चीजें पता चलती है कि यार उस समय इतना बिलीफ उनका आने लग गया था। ठीक है उन लोगों का पहाड़गढ़ भी देख लो तो होशंगाबाद थोड़ा सा बड़ा है, वो अपन कल करेंगे। ठीक पहाड़गढ़ एरिया है ये भी मध्य प्रदेश का है ना, ये छोटा छोटा है, कभी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं इसके, जैसे कि इसमें नंबर ऑफ गुफा पूछ ली आपकी मंदसौर की, और यही जो सिंबल वाली चीजें ये पूछ ली, तो ये तो आप बता सकते हो। सेम ये कहा है मुरैना जिले के असन नदी के किनारे, यही पूछ लिया है ना, तो मुरैना एक जिला है एमपी का, और उसमें जो असन नदी जाती है वहां पे ग्वालियर से 50 किलोमीटर दूर, ग्वालियर जो एक बड़ा शहर है, एक बोलेंगे कि हम ऐतिहासिक सॉरी भोपाल से पहले एमपी की राजधानी भी मानी जाती थी ग्वालियर, तो ग्वालियर एक बड़ी जगह है, उससे 50 किलोमीटर दूर जो मुरैना जिला है ना उसमें असन नदी के किनारे पे पहाड़गढ़ जगह स्थित है। ये गुफा 1500 वर्ग में फैली गई है, ठीक है 1500 वर्ग एरिया है उसमें फैली गई है इस गुफा का, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, जैसे जिसमें क्वेश्चन बनते हैं वो साफ बता रही हूँ आपको। ठीक है जैसे उसका क्या है, मधुमक्खी के छत्तों से भरी गई, कौन सी ऐसी गुफा प्रागैतिहासिक भारतीय प्रागैतिहासिक काल की, कौन सी ऐसी गुफा जो मधुमक्खी के छत्तों से भरी गई, वो प्रागैतिहासिक, मैं आप पहाड़गढ़ सॉरी मैं आपको ये नहीं बोलूंगी उसको रट लो, पर इतना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पढ़ना ऐसे ही चाहिए मजे मिला मार के, है ना ऐसे रो धो के और रट रट के कुछ भी याद नहीं होगा, कुछ नहीं बनना है आगे, साफ बोल रहे हैं आपको बुरा लगे चाहे कुछ भी, कुछ नहीं बनना है रट के करोगे तो। ठीक आगे देखो मानवाकृतियां, घोड़ा हाथी पर सवार तीय भाले लिए मनुष्युक्त, इनकी मैं आपको ऊपर पेंटिंग बहुत सारी बता चुकी हूँ, इस तरह की थोड़ी बहुत पेंटिंग यहाँ पे भी पहाड़गढ़ पे मिली है। ठीक है तो ये आपका हो गया पहाड़गढ़, तो इतना आपको क्या समझ आया
एक बार मेरे को कमेंट पे लिख के बता दो कि भीमबेटका में कितने प्रकार के चित्र पाए गए हैं, भीमबेटका में कितने प्रकार के चित्र पाए गए हैं, ये बताओगे तो मैं आगे बढ़ूंगी। एक बार मैं वेट कर रही हूँ, जो पता चलना चाहिए कितने लोगों की एक्टिविटी है। और जो लोग भाई जितना पूछ रहे थे उनको बता दो कि लाइव क्लास शुरू हो गई है, आखिरी में सारे वीडियो देखोगे खुद ही परेशान हो जाओगे, इससे अच्छा आधे आधे घंटे की ये क्लासे ले लो और खुद को लाइट करो, है ना। भैया क्यूबिज्म की वीडियो नहीं मिल रही क्योंकि बनी नहीं है अभी, अभी बहुत आलसी हूं मैं, बनाऊंगी जल्दी और क्यूबिज्म से वीडियो डालने लग जाएंगे। आई प्रॉमिस जब नेट के फॉर्म भरने चालू होंगे उससे पहले मेरा वेस्टर्न आर्ट भी शुरू हो जाएगा। यही कंफ्यूजन हो गए, देखो मैंने भीमबेटका पूछा है तो पचमणी के बारे में बता रहे हो, अभी ऊपर बताया आपको कि दो प्रकार के चित्र पाए जाते हैं, एक में वो जिसमें मनुष्य को शिकारी के तौर पे एनिमल्स के साथ यूज किया, दूसरे में वो जिसमें प्रेम से शो किया। अब भी बताया है फिर मैं भूल जाता, कोई बात नहीं करेंगे जैसा भी है, दिक्कत कोई बात ही नहीं। तो ये आज की क्लास अपन आज यहाँ एंड करते हैं, हो गई 7:15। चाहो तो टेलीग्राम पे आ जाना, एक एक क्विज करा देंगे, कोई डाउट हो तो अभी कमेंट में लिख दो मुझे तो मैं देख लेती हूँ, ठीक है। इसके बाद कल अपन होशंगाबाद आदमगढ़ जो बड़ी जगह है यार, थोड़ी चित्र वित्र भी अच्छे निकाले मैंने, और मिर्जापुर यूपी वाला भी बढ़िया है, तो वो अपन कल देख लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं एंड कर देती हूँ, बोलो तो क्लास को, है ना, अभी एंड कर रही हूँ। और कोई दिक्कत हो तो वो प्लीज एक बार क्लास कैसी लगी कमेंट्स में बता देना, क्या चल रहा है टेलीग्राम पे, मतलब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसको करना है कि नहीं करना है ये जरूर बता देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मैं एंड कर लेती हूँ क्लास को। बढ़िया, मस्ती रहो, अच्छे से रहो, खुश रहो, और क्या।